70 सालों की आजादी के बाद आज भी लोगों को तालाबों का पानी पीना पड़ता है, वहीं से जानवर पानी पीते हैं। चुनावों के दौरान बड़े नेताओं के बड़े बड़े वादे, चाहे वो विरोधी दल हों या सत्ताधारी, आम जनता के मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या ऐसी राजनीति से प्रदेश का विकास हो पाएगा? ना जाने आज भी जम्मू कश्मीर में कितने ऐसे गाँव हैं जहाँ आज भी बिजली और पानी की बड़ी समस्या है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। गाँव के लोगों की सरकार और प्रशासन से मांग है कि बिजली और पानी की समस्या जल्द से जल्द हल की जाए, ताकि आने वाले चुनावों में फिर से ये मुद्दे ना बने। तहसील तरियाठ गांव चुड़दी दरोटी पिंगा गला से हम बोल रहे हैं। जो इधर आए हुए लोग हैं हमारे साथ, तो अभी तक जहां लाइट की कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइट मिलनी चाहिए। अभी तक जहां लोग को इतना शौक है कि कहीं लाइट, कहीं फ़ोन भी चार्ज करना हो तभी भी जहां तरियाठ में जाना पड़ता है, जहाँ रैंथल में जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर जहाँ से दूर है, जहाँ की लाइट की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि लाइट जहाँ से जल्दी हो सके, तो हमें गरीब लोगों की इसकी आवाज़ को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए। ऐसा गांव है द्रोटी, चुड़दोई, लालू खेतर, पिंगा गाला, ये जो साथ में 3-4 गांव लगते हैं त्रियाठ के साथ, तहसील त्रियाठ में पड़ते हैं सभी गांव। लेकिन अभी तक हमारे लोगों के ऊपर वो ही संताली है, जैसे संताली में लोग बर्ताव हो रहा था लोगों के साथ, और आज भी हो रहा है। 70 साल हो गए हैं देश आज़ाद हुए, लेकिन हमारे लोगों के साथ वही भेदभाव हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है ना, तो वहाँ पे पानी